अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो अवेंजर्स मर गए थे, यानी जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर और जितने भी हमारे हीरोज थे वो मर गए थे, वो एक्चुअली में गए कहाँ हैं? कुछ लोगों का कहना है वो क्वांटम रियल में है, कुछ लोगों का कहना है वो सोल स्टोन में है, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली में मर चुके हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं कि हमारे डेड अवेंजर्स अब कहाँ गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो होस्ट सचिन निगम, और चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि कोई भी एवेंजर मरा नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि ब्लैक पैंथर के पार्ट टू की बात चल रही है, रैन कुगलर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर चुके हैं। हम ये बात भी जानते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग का पार्ट टू स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी आ रहा है, और हम ये बात भी जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स मर गए थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, इन सब की मूवी फ्यूचर में डेफिनेटली आएगी ही आएगी। तो ये बात तो आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि सारे एवेंजर्स मर चुके हैं, वो नहीं मरे हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं या फिर फंसे हुए। अब बात करते हैं पहली पॉसिबिलिटी की, जो कि है हमारा सोल वर्ल्ड। हम ये बात जानते हैं, मूवी के एंड में हमने छोटी गमोरा को देखा, और हमने ये भी देखा कि थानोस उसके साथ में था, और वो जो जगह देखने को मिल रही थी वो सोल स्टोन या फिर सोल वर्ल्ड के अंदर है। ये बात डायरेक्टर्स ने खुद कंफर्म की है कि वो सारी की सारी जगह सोल वर्ल्ड है। अब गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूवी के दौरान हमें इस बात का कोई भी हिंट नहीं दिया गया, या फिर एमसीयू के दौरान, पूरे एमसीयू में हमें कोई भी हिंट नहीं दिया गया कि जितने भी लोग मरते हैं वो कहाँ जाते हैं। एटलीस्ट अगर इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज़ करके, सोल स्टोन का यूज़ करके आप मर रहे हो तो आप कहाँ जाओगे, इसके बारे में अभी तक कोई हिंट नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोल स्टोन के वर्दी हो या फिर सोल स्टोन के लिए आपने सेक्रीफाइस किया है, तो आप सोल स्टोन के अंदर जर्नी कर सकते हो, अदरवाइज आप सोल स्टोन के अंदर जर्नी नहीं कर सकते हो। तो ये तो कहना है कॉमिक्स का। और अगर कॉमिक्स को देखा है, यहाँ पे देखा जाए, तो हो सकता है एमसीयू के अंदर ये चीज़ फॉलो की जाए, बट मुझे लगता नहीं ऐसा फॉलो होने वाला है या फिर फॉलो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी डेड एवेंजर्स है वो सोल स्टोन में तो नहीं है, या अगर सोल स्टोन में भी होंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस आप एक मिनट के लिए सोचो, इन्फिनिटी गॉन्टलेट एमसीयू के अंदर सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर हम ये बात जानते हैं कि एवेंजर फोर में हमें बाकी के जितने मर गए हैं एवेंजर्स उनको वापस लाना है, और अभी लेटेस्ट थ्योरी ये चल रही है कि वोंग या फिर एंटमैन या फिर आयरन मैन सोल वर्ल्ड में जाकर बाकी के एवेंजर्स को वापस लेके आएंगे। तो देखा आपने, अगर इतना आसान है सोल वर्ल्ड से किसी को लाना, तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट का मतलब ही क्या है? तो इसलिए मुझे लगता है कि सोल वर्ल्ड में जर्नी करना इतना आसान नहीं है, और जितने भी डेड एवेंजर्स हैं वो सोल स्टोन के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर सोल स्टोन से वो इजीली बाहर वापस आ सकते हैं, तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट का या फिर सोल स्टोन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सोल स्टोन में तो हमारे एवेंजर्स नहीं है। तो अब आती है दूसरी पॉसिबिलिटी, जो कि है क्वांटम रेलम। हम ये बात जानते हैं कि एवेंजर 4 मूवी के अंदर क्वांटम रेलम का एक बहुत 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 ही बड़ा रोल होने वाला है। ये बात मिस्टर माइकल डगलस हैंक पिम ने भी कंफर्म की है। हमने ऑन सेट इमेजेस भी देखी हैं, जिसमें एंटमैन हमने देखा है, और साथ ही साथ हमने और भी लीक्स और भी रूमर से हमें पता चला है कि क्वांटम रेलम एवेंजर 4 के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब क्वांटम रेलम की यहाँ पे दो थ्योरी आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटम रेलम का यूज़ करके हम कर सकते हैं टाइम ट्रैवल, जिसकी मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 90% ये बात ट्रू हो सकती है, और हमें टाइम ट्रैवल मूवी के दौरान देखने को मिलेगा। बट 10% पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्वांटम रेलम में जाया क्यों जाएगा। 10% थ्योरी ये कहती है कि क्वांटम रेलम में जाया जाएगा बाकी के एवेंजर्स की सोल्स को लेने। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रूमर है, कि जितने भी लोग मरते हैं वो सारे के सारे जर्नी करते हैं क्वांटम रेलम से, यानी उनकी जो आत्माएं होती है, जो उनकी सोल होती है, वो क्वांटम रेलम से गुजरती हैं। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर भी देखा था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे वर्ल्ड में घूम रहा होता है, सारी कॉस्मिक जगहों पर घूम रहा होता है, तो क्वांटम रेलम के अंदर वो रुकता है। और अगर क्वांटम रेलम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन वहाँ पर नहीं भेजते दिखाने के लिए कि वहाँ पर क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी 90% हम कह सकते हैं क्वांटम रेलम का जो मेन पर्पस होगा वो टाइम ट्रैवल होगा, बट 10% पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है कि वहाँ पर सारे के सारे हमारे डेड एवेंजर्स हो सकते हैं। और अगर वहाँ पे डेड एवेंजर्स नहीं होंगे तो कहाँ हो सकते हैं? दो ही पॉसिबिलिटी हैं, तो क्वांटम रेलम या फिर सोल स्टोन। तो अगर मेरे हिसाब से वो सोल स्टोन नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्वांटम रेलम होने वाला है। और एक मिनट के लिए आप सोच भी सकते हैं इस बारे में, क्योंकि सोल स्टोन में जाना इतना आसान नहीं है, बट क्वांटम रेलम में जाना बहुत ही आसान है। एंटमैन ने किया हुआ है, साथ ही साथ हैंक पिन ने भी किया हुआ है, और जो पुरानी वाफ थी उसने भी किया हुआ है। तो अवेंजर्स के लिए क्वांटम रेलम में जाना बहुत ही ईजी है। जो हमने लीक सूट देखे थे वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि क्वांटम रेलम में जाकर बाकी के एवेंजर्स को वापस लाया जा सके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी डेड एवेंजर्स हैं जो मर चुके हैं, लाइक स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सब, वो सारे के सारे सोल वर्ल्ड में नहीं है, वो सारे के सारे क्वांटम रेलम में है, और वहां से उनको एवेंजर 4 में वापस लाया जाएगा। अब गाइस ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, ये मेरे थॉट है, इसमें जरूरी नहीं है बस सच हो, बट हो भी सकती है। पॉसिबिलिटी 10% हो, बट 10% भी बहुत होती है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं क्वांटम रेलम के नए सूट के बारे में, जो कि थॉर रॉकेट ने पहना था, तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं थानोस टोनी स्टार्क को क्यों मारना चाहता था, तो मेरी राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ रेड सब्सक्राइब बटन है, उसको लाइक
सब्सक्राइब, एवरीथिंग यू हैव टू डू। शेयर करें इस वीडियो को ताकि बाकी लोगों को पता चल सके हमारे डेड एवेंजर्स कहाँ हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय नाउ एंड टेक केयर।